छत्तीसगढ़ विधानसभा में टीएस सिंहदेव के इस्तीफे को लेकर जमकर हंगामा हुआ, जिसकी वजह से सदन की कार्रवाई 10 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। वहीं बीजेपी ने इस मामले पर राज्य विधानसभा चर्चा कराने की मांग की तो राज्य के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने मामला उठाते हुए कहा कि राज्य के एक मंत्री ने मंत्रिमंडल पर अविश्वास जताते हुए राज्य के मुख्यमंत्री पर षड्यंत्र करने का आरोप लगाया है। ऐसी स्थिति में राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है, क्योंकि मंत्रिमंडल में सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। इसके साथ पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि पूरे मामले पर मुख्यमंत्री का जवाब आना चाहिए, जब तक जवाब नहीं आता तब तक सदन में किसी चर्चा का कोई औचित्य नहीं है। सरकार योजनाओं के अमल करते हुए नियम के हिसाब से, क्योंकि नियम इसमें केंद्र के हैं कि और इसमें आधा अंश हमारा रहता है और आधा केंद्र का रहता है, 50-50% रहता है, तो दोनों के अमाउंट को मिला के योजना बनाई जाती है। जबकि यहाँ पर ना पूरा जवाब में ही पूरा दिया गया था कि दोनों के अंश को बराबर मिला के सारी योजनाओं को ना संचालित किया जा रहा है। और आज के तारीख में 25% काम पूरा हो चुका है,